इंदौर जिले के मलिंडी गांव के समीप एक चरवाहे को अपने शिकार बनाने वाला बाघ अभी भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया। वहीं इंदौर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में बाघ की वर्तमान में रेस्क्यू की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के मऊ तहसील के जंगल में एक बाघ की दहशत से ग्रामीण उधर जा नहीं पा रहे हैं। चरवाहे की मौत का मामला सामने आने के बाद इस बाघ को लेकर वन विभाग की टीम सहित अन्य प्रशासनिक अमला बाघ की मूवमेंट ट्रेस करने में लगा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बाघ का कोई दहशत भरा मूवमेंट सामने नहीं आया। इंदौर DFO नरेंद्र पंडवा ने बताया कि बाघ अभी पूरे समय जंगल में ही भ्रमण कर रहा है, वर्तमान में उसे रेस्क्यू की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि सामान्यतः बारिश में वन्य प्राणी जंगल में बढ़ने लगते हैं और उन्हें जंगल में पानी, शिकार आदि मिलने लगता है। DFO बोले कि किसी को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हम बाघ की मोमेंटो को लगातार ट्रेस कर रहे हैं और वन विभाग की टीम लगातार जंगल में घूम रही है और बाघ के मूवमेंट पर नजर रखने के प्रयास कर रही है। स्पॉट है फुटफॉल बढ़ाने के लिए, अभी किस तरह की नई योजनाओं पर काम हो रहा है और क्या नया है इसका? राला मंडल अभी जैसे बहुत अच्छा समय है, सभी वाटरफॉल वगैरह में लगातार टूरिस्ट की गतिविधि बनी रहती है, तो हमारे यहाँ पर तीन चार फॉल हो गया, पातल पानी हो गया और जितने भी वाटरफॉल हैं सभी पर लगातार हम लोग अपने कर्मचारी वगैरह को तैनात रखते हैं और वहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको सुविधा देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होता है, कई बार अप्रिय घटनाएं भी इस समय पर होती ही रहती हैं, तो इसलिए विशेष टाइम पर हम लोग पुलिस की मदद भी लेते रहते हैं।